रहे हैं, बोले बीमार क्यों पड़ रहे हैं? भोजन का शैली गलत हो गया है। और क्या समस्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या करने से समाधान होगा? पता नहीं। और क्या समस्या देश के बाद, समस्या के बारे में जानते हैं? यहाँ इतना देर तुमको 2-3 दिन सिखा और तुम्हें ये नहीं जानते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट का सलूशन क्या है? अच्छा है, क्या है वही तो पूछना। खुद स्वावलंबी हो के खुद कैसे, क्या करने से स्वावलंबी हो गए? या तो खुद खेत से जुड़ जाए, या फिर किसान जो कर रहा है उससे वो प्रोडक्ट लेके प्रोडक्शन करके लोग तक पहुँचाएँ। क्योंकि आज जहाँ तक हम लोग देखते हैं, मैं देख रहा हूँ, कुछ अंबानी, अदानी या फिर पतंजलि, ऐसे कुछ 2-3-4 कंपनी हैं जो पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अपना उनका प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और मतलब यहाँ से सामान जा रहा है फैक्ट्री से, फिर वो लोगों तक पहुँच रहा है। अगर हम अपने ही एरिया में लोगों का वही हल्दी, जीरा, कोई भी तेल हो गया, अपने ही किसान, नज़दीकी जो किसान है वहाँ से उस चीज़ को लाएं और अपने खुद वो प्रोडक्ट बना के अपने आसपास के लोगों तक अगर पहुँचा पाएँ, तो लोगों को फ्रेश खाना भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाएगा और रोज़गार भी क्रिएट हो सकते हैं। स्वावलंबन का एक पहला जरिया ये है कि अगर हर बच्चा अपना 1 एकड़ ज़मीन से 5 एकड़ ज़मीन का खुद प्रोडक्टिविटी लेवल पे आ जाए, जब कृषि गुरुकुल के माध्यम से एक एक लड़का, एक एक युवा, एक एक एकड़ में आम, अमला, नींबू, लीजू, काजू, पपीता, सहजना से लेके धान से लेके गेहूँ, मंडवा इत्यादि प्रोडक्शन करने लगेगा, तो 1000 बच्चे अगर कृषि गुरुकुल में एडमिशन कर देते हैं तो 1000 एकड़ ज़मीन बन गया प्रोडक्टिविटी जी। तो नेचुरली उस एरिया में तो पूरा फूड कंट्रोल तो अपने पास हो गया ना, फिर अंबानी, अडानी और पतंजलि के पास तो जाना नहीं पड़ेगा। तो 1000 युवा अगर 1000 एकड़ में खेती करने लगे तो 1000 युवक को कैसे समझाओगे कि भाई नौकरी मत करो, खेती करो, एक बार खेती करो जिंदगी भर कमाओ, एक बार खेती करो और तुम अमीर करोड़पति हो जाओ, वो कैसे समझाओगे? क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या ड्यूटी है? नहीं, ठीक है, कट।